कैसे हो? सब बढ़िया? कैसा रहा चैप्टर नंबर 7? अच्छा चल रहा है ना? चलता है चलता है, बच्चे बोलते हैं चलता है चलता है। नहीं नहीं बढ़िया चल रहा है। लास्ट लेक्चर के हमने अंदर हमने एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट की थी और 7.9 कंप्लीट की थी। फाइनाइट इंटरगेशन के बारे में था। फाइनाइट इंटरगेशन यानी कि उसका जो डोमेन होता है वो पर्टिकुलर कोई इंटरवल के अंदर ही होता है। बराबर ना स्टूडेंट? बराबर। ओके तो चलो अब आगे का सम लेते हैं। 7.10 का 6 तक का क्वेश्चन लिए थे, अब 7 नंबर का 7.10 उसका क्वेश्चन नंबर 7। इंटरगेशन -1 to 1 dx अपॉन x square plus 2x plus 5। वही मेथड का समय, अपने को लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म कौन सा आएगा सोचो, मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। तो वो मेथड से आप सोचेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 1। तो -1 to 1 1 अपॉन x square plus 2x plus 1 plus 4 dx। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 1 प्लस 4 का इज एडिंग करेंगे। अब ये हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी -1 to 1 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 है वो 2 का स्क्वायर होगा। यानी कि कौन सी फॉर्मूला बन गई? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। याद करो क्या होता है, 1 अपॉन a यानी 2 tan इनवर्स x अपॉन a, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है? -1 to 1। अब 1 बाई 2 tan इनवर्स, पहले मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 दैट इज अ 1। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -1 रखूंगा तो -1 plus 1 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 रहा, अब क्या रहा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी कि आपका आंसर आएगा π/8। क्लियर? इजी है ना? सब आगे के ही समय। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 अपॉन x -1 upon 2x square into e raised to 2x dx। 1 upon x minus 1 upon 2x square into e raised to 2x। अब ये सम के अंदर हमारी कौन सी मेथड है आपको याद है? इंटीग्रेशन e raised to x fx plus f x dx, यानी कि फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में, तो e raised to x into fx plus c, ये मेथड का सम है। लेकिन ये मेथड में मैंने आपको समझाया था कि e raised to पे x ही पावर होनी चाहिए। e raised to पे 2x हो या x by 2 हो या 3x हो या तो x by 2, कोई भी टर्म हो, इसके is equal to में आपको t सपोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन में क्या है, e raised to 2x है ना, तो आपको 2x is equal to t सपोज करेंगे, और जो भी सपोज किया है उसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इस तरह से होगा 2 dx is equal to dt, therefore dx is equal to dt upon 2।
क्लियर। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट 1 है तो मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो t इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 2 टू 4। Therefore, I is equal to integration 1 से 2 यानी 2 से 4, 1 upon x यानी x is equal to t by 2 तो 1 upon x that is a 2 upon t minus 1 upon 2 x square that is t square by 4 यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, e raised to 2x that is a t dx it is a dt upon 2, clear। यानी कि 2x is equal to t suppose किया है तो x is equal to t by 2 हो जाएगा, आपको यहाँ पे x की जगह पे t upon 2 put करना है। अब simplify देते तो ये 2 पहले बाहर ले लेते, constant है integration के बाहर, 2 से 4 2 upon t माइनस यहाँ पे 2 टू 4 यानी 2 अपॉन टी स्क्वायर इनटू ई रेस्ट टू टी डीटी। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 के साथ कट हो जाएगा क्योंकि ये 2 अपॉन में है तो 2 कट, तो इंटीग्रेशन 2 से 4 ई रेस्ट टू टी पहले लिखते हैं, 2 कॉमन निकल गया तो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डीटी। देखो हो गया ना सेटिंग, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन 2 से 4 ई रेस्ट टू टी 1 अपॉन टी प्लस डी अपॉन डीटी 1 अपॉन टी, क्लियर। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव बाजू में हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस्ट टू टी इंटू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 2 से 4। अब अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट 4 रखते हैं टी की जगह पे तो ई रेस्ट टू 4 अपॉन 4, इसके बाद 2 रखते हैं तो ई स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। अब इसके आगे थोड़ा लिखना है तो ई स्क्वायर कॉमन लेते हैं और 4 का एलसीएम भी ले लो, 4 का एलसीएम तो यहाँ पे 2 आ सकता है यानी कि आपका आंसर आ सकता है ई स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। सोच लो अच्छी तरह से, 4 एलसीएम तो ई रेस्ट टू 4 ऐसा तो एक टर्म ज्यादा लिखो वरना आप लोग सोचने में पड़ जाएंगे, बराबर 4 का एलसीएम तो ई रेस्ट टू 4 माइनस 2 ई स्क्वायर तो ऊपर से ई स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसमें आपको लास्ट टर्म फाइंड करने की मेथड थी और इसके अंदर सपोज करने का था e रेस्ट टू 2x यानी कि के ऊपर पावर में 2x है इज इक्वल टू t, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अभी 2 MCQ बाकी है वो भी कर लेते हैं, जो अब आगे का 2 MCQ जो बाकी है उसकी बात करते। नंबर 9 इस तरह से इंटीग्रेशन 1 बाई 3 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब रिस्ट टू 1/3 अपॉन एक्स रिस्ट टू 4 dx इज इक्वल टू कितना होता है, तो एक्स क्यूब कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है एक्स क्यूब। अब आप सोचते हैं कि एक ऐसा क्या कॉमन हुआ, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब तो उसमें से मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो यहां पे तो एक्स क्यूब है नहीं,
तो अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी ये टर्म ऐसा होगा कि नहीं होगा, कह सकते हो ना। अब इसमें से आप एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, मालूम पड़ा, एक्स माइनस एक्स क्यूब में से मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, बराबर। तो एक्स क्यूब कॉमन लेने से फायदा क्या, बहुत ही बड़ा फायदा होगा भाई। तो इंटीग्रेशन 1/3 से 1, एक्स क्यूब कॉमन यानी x हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेस्टू 1/3, क्योंकि उसके रेस्टू में 1/3 है ना, तो बाहर निकलेगा तो x ही हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो गया, x क्यूब। तो इंटीग्रेशन 1/3 से 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्टू 1/3 अपॉन एक्स क्यूब dx। अब मैं सपोज करता हूं, सपोजिशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब, सपोज करते 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब सपोज करता हूं, इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स रेस्टू माइनस 2, माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स रेस्टू माइनस 3 dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। अब ये 2 को सामने ले जाते, माइनस 2 को भी सामने ले जाते, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू माइनस 3/2 टी स्क्वायर dt, क्लियर। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इसकी जगह पे माइनस 3/2 टी स्क्वायर dt। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट हम चेंज करेंगे, तो x 1/3 पहले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/3 में पुट करता हूँ, यहाँ पे 1/3 पुट करूंगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 1 टी क्यूब इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2। अब अपर लिमिट 1 रखूंगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 0, देयरफॉर टी क्यूब इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 0, क्लियर। यानी 1/3 से 1 है, 1/3 से 1 है तो 2 से 0, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से नहीं गलत लिखा, 1/3 में 2 आता है, 1/3 में क्या आता है 2, और 1 में 0 है, ओके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि टी क्यूब, यानी कि टी क्यूब रेस्टू 1/3। अब dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब दैट इज माइनस 3/2, माइनस 3/2 टी स्क्वायर dt, क्लियर। अब ये माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 2 से 0, 3 कट हो जाएगा, तो टी इंटू टी स्क्वायर dt। अब माइनस को हटाना है, माइनस हटाने के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज कर देते हैं, 2 से 0 है तो 0 से 2, और टी क्यूब dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेस टू 4 अपॉन 4, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, 0 से 2, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 रेस टू 4 यानी 16 अपॉन 4, लोअर लिमिट तो 0 ही है। अब इसका सिंप्लीफाई 4 हो जाएगा, 4 यानी कि ऐसा हो जाएगा 3/2,
थ्री बाई टू इंटू फोर, टू टू जै फोर, थ्री इंटू टू यानी सिक्स। क्लियर? एमसीक्यू है, सम नहीं है, एमसीक्यू है, लेकिन दो बार जैसा है बराबर। ये वो स्टेप स्टेप है, ये स्टेप, उसके बाद इसको आपको 1/3 पावर है तो टी क्यूब सपोज करना है, वो ध्यान रखना। आगे की एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x, टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी डी टी, तो देन एफ डैस एक्स इज इक्वल टू कितना, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी यानी यू इंटू वी की मेथड होगी, यू कांस्टेंट, वी का इंटीग्रेशन माइनस बिगेस्ट इंटीग्रेशन बराबर। तो वो मेथड मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, तो मैं टी को यू कहूंगा और साइन टी को वी कह देता हूं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट और साइन टी का इंटीग्रेशन करते, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट में डी अपॉन डी टी टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। क्लियर? अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है, जीरो से एक्स, यानी यहां जीरो और ऊपर एक्स। क्लियर? जीरो से एक्स का इंटीग्रेशन। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव वन, साइन का माइनस कॉस, ये माइनस प्लस कॉस टी डी टी और जीरो से एक्स, तो माइनस टी कॉस टी प्लस साइन का कॉस का डेरिवेटिव रहे, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी जीरो टू एक्स। अब अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट टी की जगह पे मैं एक्स रखूंगा, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करता हूं सभी में, तो जीरो हो जाएगा। इसके इज इक्वल टू में है एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मिल गया एफ एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स, एक्स कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन और प्लस साइन एक्स एज इट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, देयरफॉर एफ डैस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा, तो प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कट हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर हो गया डेरिवेटिव? यानी कि बहुत इजी एक्सरसाइज थी बराबर, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़े तो इजी बनना हार्ड। ये हमारी एक्सरसाइज 7.10 खत्म हो गई, अब 7.11 की बात करनी है आज आपसे। अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं, अपना आगे का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नई बात आपसे करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 7.11।
रूल्स ऐसा है, एक नया रूल्स आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। रूल्स इस तरह से है, इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन करना है, उसमें से वेरिएबल एक्स जो भी है, वेरिएबल एक्स है, टी है या थीटा कोई भी है, उसको सब्ट्रैक्ट करके एक्स की जगह पे रखना है। यानी कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई भी टाइप का चेंजिंग होगा नहीं। क्लियर? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक रूल से बराबर। इसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 7.11 के अंदर सब है। वैसे तो दो तीन चार टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग चार टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.11 में, लेकिन ये मेथड के सबसे ज्यादा है सब। दूसरी मेथड के सब जब होगा तब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अभी आप रूल्स की याद रख लो। इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसके अंदर दो बातें हैं, इफ यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, देन इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो माइनस एफ एक्स होता है तो इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? यानी कि ये एक फॉर्मूला है, ये एक मेथड है, लेकिन वो मेथड के जब सम आएंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी तो आपको ये मेथड के सम लेने के हैं, बराबर। उसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 7.11। अब 7.11 के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे सम है, बराबर। उसमें स्टार्टिंग के तो पहला सम तो बहुत इजी निकला भाई, पहला सम ने तो बहुत इजी है। इस तरह से पहला सम जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर? कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उसका यूज करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2।
ए टू इंटरगेशन के बाहर, देयरफॉर इंटरगेशन जीरो से पाई बाई टू, वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। अब इंटरगेशन कर लेते हैं, वन का इंटरगेशन एक्स, कॉस टू एक्स का इंटरगेशन साइन टू एक्स अपॉन टू, इंटरगेशन जीरो से पाई बाई टू। अब अपर लिमिट रखते हैं तो वन बाई टू एक्स की जगह पे पाई बाई टू, प्लस यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो प्लस जीरो यानी कि वन बाई टू इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर। क्लियर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारी आगे की जो एक्सरसाइज थी उसके पर अकॉर्डिंग था, बराबर उसके पर आधारित ये सम था, इसके कुछ नई बात नहीं है, लेकिन इसके आगे के सम के अंदर नई बात आ सकती है। क्या सम लेते हैं? क्वेश्चन नंबर टू इस तरह से है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर आपको आगे की हमने जो प्रॉपर्टीज आपको समझाई, जो रूल्स समझाए उसका यूज करना है। I is equal to लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन तो जीरो प्लस पाई बाई टू यानी पाई बाई टू, उसमें से वेरिएबल x को सब्ट्रैक्ट करने का, यानी कि आपको ये टर्म के अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर dx में नहीं हो, dx नहीं, ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन में x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखना है। क्या रखना है? पाई बाई टू माइनस एक्स। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स। क्लियर? ये कैसे लिखा वो मालूम पड़ा? कौन सा रूल्स? जो भी रूल्स से वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज करके लिखना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा रूल्स आपको ब्रैकेट में बताना है हर एक सम के अंदर। क्लियर? अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज अ रूट कॉस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज रूट कॉस एक्स, साइन कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? ये पूरा किसके इज इक्वल टू में है? आई। किसके इज इक्वल टू में है? आई। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसको आपको रिजल्ट नंबर वन कहना है, और जो ये रिजल्ट आता है उसको रिजल्ट नंबर टू कहना है। ओके? इसको परिणाम एक और इसको परिणाम दो। ओके? रिजल्ट वन एंड टू। अब दोनों रिजल्टों का एडिशन करना है बाय रिजल्ट वन प्लस टू, वन प्लस टू, दोनों रिजल्टों का आपको एडिशन करना है। तो आई प्लस आई, आई प्लस आई टू आई।
अब इन दोनों का एडिशन करूंगा तो जीरो से पाई बाय टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ओके पहले ये टर्म लिखना होता है दोनों का कोई बात नहीं कोई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स दोनों रिजल्टों का एडिशन करने का है दोनों को एडिशन कर दिया आई प्लस आई टू आई क्लियर ये करने से क्या फायदा तो उसका जो अपॉन का जो टर्म है वो सेम हो गया देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स यानी कि उसका एलसीएम ये हो गया तो ऊपर का एडिशन कर सकते हैं तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स ये टर्म पूरा कट हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स Therefore, 2i is equal to 1 का इंटीग्रेशन x 0 से pi by 2. Therefore, 2i is equal to upper limit minus lower limit. Therefore, 2i is equal to pi by 2. 2 सामने चला जाएगा. तो i is equal to pi by 4. Clear? यानी कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाय 4 ये एक मेथड है मालूम पड़ा देख लो अच्छी तरह से पहले तो आपको क्या करना है लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन उसमें से वेरिएबल एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है वो टर्म को आपको x की जगह पे रखना है क्लियर यानी कि पाई बाय 2 होता है 0 प्लस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस x आपको x की जगह पे रखना है ये सबसे पहला स्टेप उसके बाद साइन पाई बाय 2 माइनस x दैट इज cos x ये भी cos x ये साइन x इसको रिजल्ट नंबर 2 और जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको रिजल्ट नंबर 1 कहना है ओके रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 इन दोनों का एडिशन करना है एडिशन करेंगे तो क्या होगा दोनों का अपॉन का जो ये टर्म है डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा और ऊपर का जो टर्म है उसका एडिशन कर दीजिए तो पूरा ये टर्म कट हो जाएगा तो 1 dx 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे पाई बाय 2 रख दिया और x की जगह पे 0 देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्लियर इस टाइप के सब अभी भी है थर्ड नंबर का भी है फोर्थ नंबर का भी टर्म है हां फोर्थ नंबर का भी ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin रेस टू 3 बाय 2 x अपॉन साइन रेस टू 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस रेस टू 3 बाई 2 एक्स यही मेथड का है आगे वाला जो सम था उसमें रूट था यहां पे 3 बाई 2 पावर है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन कीजिए 0 प्लस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 होता है उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बनेगा तो इस सभी टर्म में यानी कि पूरे फंक्शन में x की जगह पे pi by 2 minus x रखना है तो 0 से pi by 2 sin raise to 3 by 2 pi by 2 minus x upon sin raise to 3 by 2
पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस रेस टू थ्री बाई टू पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, एक्स की जगह पे पाई बाय टू माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स, यहां भी कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स हो जाएगा। अच्छा एक चीज रखना लिखना रह गई, कौन सी, वो ब्रैकेट करके मैंने वो लिखा था ना, वो आपको लिखना है, ब्रैकेट करके मैंने अभी वो नहीं लिखा थी, वो क्या लिखा था, रूल्स लिखा था ना, वो आपको लिखना है इसमें बराबर, उसके बाद ये टर्म आएगा, यानी कि आप अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन करके एक्स सब्ट्रैक्ट करते हो, वो एक्स की जगह पे जहां भी लिखते हो वहां पे वो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेगी। ओके चलो, वो तो आप लिख लेंगे, बहुत होशियार स्टूडेंट हो, मुझे कोई कहने की उसमें जरूरत नहीं है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव यानी कि कॉस, यहां भी यानी कि साइन का कॉस और कॉस का साइन। अब मैं इसको रिजल्ट नंबर, ये जो क्वेश्चन है उसको रिजल्ट नंबर वन कहूंगा और ये जो दूसरा जो रिजल्ट है उसको टू। क्लियर, ये रिजल्ट नंबर वन एंड ये रिजल्ट नंबर टू, इन दोनों रिजल्टों का मैं एडिशन करूंगा बाय रिजल्ट वन प्लस टू, दोनों रिजल्टों का मैं एडिशन करूंगा, तो आई और ये भी आई है, यहां पे कुछ नहीं तो आई होगा ना, आई तो आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स अपॉन साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स अपॉन कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स, दोनों रिजल्टों का एडिशन कर दिया तो देखो अपॉन का टर्म इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स अपॉन साइन रेस टू थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रेस टू थ्री बाय टू एक्स, पूरा टर्म कट हो जाएगा, देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू वन डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन एक्स जीरो से पाई बाय टू, देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस जीरो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर। क्लियर है ना, बहुत इजी, पहले क्या करने का वो मालूम पड़ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से वेरिएबल एक्स को सब्ट्रैक्ट करो, वो एक्स की जगह पे रख दो। ओके उसके बाद उसका सिंप्लीफाई दे दिया, इसको रिजल्ट नंबर टू और जो क्वेश्चन है उसको रिजल्ट नंबर वन, और वन और टू का मैंने एडिशन कर दिया तो डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाता है, ये अपॉन का टर्म सेम हो गया तो ऊपर का हम एडिशन कर दिया और पूरा कट हो गया तो वन डी एक्स। क्लियर, ये मेथड का फोर्थ नंबर का भी समय, तो अभी मेरा मन हो ऐसा होता है, मेरा मन ऐसा कहता है कि फोर्थ नंबर का सम आपको करना चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि उसमें पावर कितनी है मालूम है, कॉस रेस टू फाइव एक्स है, यही है कॉस रेस टू फाइव अपॉन कॉस रेस टू फाइव प्लस साइन रेस टू फाइव, यही मेथड का है और इंटीग्रेशन भी वही है जीरो से पाई बाय टू का ही है। ओके
चलो करेंगे आप, मुझे विश्वास है आपके पर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। बहुत अच्छा सम 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5, -5 से 5, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 dx। -5 से 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 2, ये अलग है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी सिखाई है उसके पर आधारित नहीं है। ये जो हमने किए ना सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो ये मेथड है वो मेथड का ये सम नहीं है, ये तो मोड वाला है, बराबर। तो क्या करेंगे आप, मोड आता है तो दो बातें हो सकती है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बराबर। तो मैं मोड हटाऊंगा, तो पहले x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी, लेकिन बड़ी से बड़ी कहां तक हो सकती है, 5 तक, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन माइनस 5 से 5 के बीच में ही सोचना है, यानी माइनस 2 से ज्यादा, तो माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, मालूम पड़ता है ना, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से, ये नंबर लाइन, ये माइनस 2, माइनस 2 के बाद माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 तक ही आपको जाना है, क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो माइनस 5 से 5 के बीच में ही है, इसलिए माइनस 2 से ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहां तक होगा, 5 तक। इसी तरह x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, therefore x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2 से कम, x की वैल्यू माइनस 2 से कम, लेकिन कम से कम कहां तक, माइनस 5 तक ही, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस 5 है, लोअर लिमिट माइनस 5 है, तो माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, यानी कि आपको इस तरह सोचना है, क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 5 से 5, माइनस 5 से 5 ये इंटीग्रेशन, यानी कि ये इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड होगा, माइनस 5 से माइनस 2 में, माइनस 5 से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से 5, दो पार्ट के अंदर ये इंटरवल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रेशन माइनस 5 से 5 है, इंटीग्रेशन माइनस 5 से 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 वो दो पार्ट में बट जाएगा, माइनस 5 से माइनस 2 में, माइनस 5 से माइनस 2, और दूसरा होगा माइनस 2 से 5, माइनस 2 माइनस 5 से माइनस 2 और माइनस 2 से 5। अब माइनस 5 से माइनस 2 उसमें x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 है, x प्लस 2 कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पे मोड हटेगा तो ये नेगेटिव है, तो आगे क्या आएगा, माइनस, तो माइनस x प्लस 2 dx, और माइनस 2 से 5 में x प्लस 2 पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस x प्लस 2 dx, क्लियर। यानी माइनस 5 से, यहां पे माइनस पे आएगा, माइनस 5 से माइनस 2 में, माइनस 5 से माइनस 2 में x प्लस 2 नेगेटिव है, तो यहां पे माइनस, ओके, माइनस 5 से माइनस 2 और माइनस 2 से 5। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब इसके आगे तो इजी है, जो है ये मोड हटाना है और दो बातें आपसे करने की है, क्लियर, मालूम पड़ा, मोड हटा तो दो बातें, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्लियर।
चलो अब इसके आगे तो इजी है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं और आंसर ला देते हैं। चलो x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, कहां से कहां तक का, -5 से -2, -5 से -2 प्लस, अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x -2 से 5, -2 से 5, क्लियर। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले -2 रखता हूं, तो -2 रखूंगा, तो -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, -4, माइनस लोअर लिमिट रखता हूं, तो 25 अपॉन 2, -10, क्लियर। इसके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहां पे आए प्लस, अब 5 रखूंगा, तो 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट -2, -2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 अपॉन 2 -4, क्लियर। अब सिंप्लीफाई लेते हैं, तो 2 माइनस 4 -2 हो जाएगा, आगे माइनस है भाई, आगे माइनस क्यों भूल जाते हो भाई, आगे बड़ा सा माइनस है ना, ये रहा, ये -2, 2 का एलसीएम 20, 25 -20 यानी कि 5 अपॉन 2, क्लियर। चलो अब यहां पे आए प्लस 2 20 45 अपॉन 2 -2 दैट इज +2। अब इसका सिंप्लीफाई, 2 2 4 9 यानी कि +9 अपॉन 2, 4 49 अपॉन 2 दैट इज 58 अपॉन 2 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 29। इतना आंसर आएगा 29। कैसा रहा, बहुत अच्छा समझा ना, मोड वाला था बराबर। अभी ऐसा ही एक 6 नंबर का भी सम है मोड वाला बराबर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये लिमिट मालूम पड़ी है आपको, ये माइनस 5 से 5 जो इंटीग्रेशन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो इंटरवल में डिवाइड हो गया भाई, कौन से दो इंटरवल, माइनस 5 से -2 और -2 से 5, बस यही मोस्ट आईएमपी चीज है ये क्वेश्चन के अंदर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी मोड वाला ही है, इंटीग्रेशन 2 से 8 मोड ऑफ x माइनस 5 dx, मोड ऑफ x माइनस 5 dx, दो बातें यहां भी आपके लिए, x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये 5 सामने जाएगा। अब x की वैल्यू 5 से बड़ी, x की वैल्यू 5 से बड़ी, पर बड़ी से बड़ी कहां तक, 8, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन 2 से 8 तक का है, तो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 8। अब सेकंड केस, x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 से कम, लेकिन लोएस्ट कितनी हो सकती है 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि पूरा इंटरवल 2 से 8, पूरा इंटरवल 2 से 8 वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया,
8, 2 से 5 और 5 से 8, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब I इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन 2 से 8 मोड ऑफ x प्लस 2 dx, सॉरी x माइनस 5, क्लियर। अब x माइनस 5 इंटीग्रेशन 2 से 8 यानी 2 से 5, 5 से 8, तो इंटीग्रेशन 2 से 5 और दूसरा इंटीग्रेशन 5 से 8। अब 2 से 5, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, इसके अंदर x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0 यानी कि इसके अंदर नेगेटिव है, यानी कि मोड हटाऊंगा तो आगे क्या आएगा, माइनस dx प्लस, और 5 टू 8, 5 टू 8 के अंदर x माइनस 5 पॉजिटिव है तो मोड हटाऊंगा तो प्लस आएगा, तो प्लस x माइनस 5 dx। मालूम पड़ा ना ये स्टेप, मोड ऑफ x माइनस 5 लिखा है वो 2 से 5 में नेगेटिव है तो मोड हटाऊंगा तो माइनस आएगा, और 5 से 8 में x माइनस 5 पॉजिटिव है तो मोड हटेगा तो प्लस आएगा। अब इसके आगे तो इजी है, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, कहां से कहां तक का, 2 से 5, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5 से 8, क्लियर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 5 रखूंगा तो 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 माइनस 25 माइनस लोअर लिमिट 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 और 5 टू जा 10, प्लस यहां पे अपर लिमिट रखता हूं 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 32, 5 8 जा 40 माइनस, अब 5 रख रहा हूं तो 25 अपॉन 2 माइनस 25। अब इसका सिंपलीफाई देखिए, आप आंसर ला दो क्योंकि इसके आगे सिंपलीफाई देना आपके लिए बहुत इजी है, मेरे लिए भी इजी है, लेकिन जब तक आप हो वहां तक मैं क्यों कोशिश करूं, बराबर। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, तो 9 आंसर आएगा इसका फाइनली आंसर, आप सॉल्व करना, मुझे विश्वास है कि आपका भी यही आंसर आएगा, क्लियर। चलो आगे का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर मोड था, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंचे, इंटीग्रेशन 0 से 1 x into 1 minus x raised to n dx, 1 minus x raised to n, तो 1 minus x raised to n का तो कुछ सिंपलीफाई होता ही नहीं है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से वेरिएबल x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो I is equal to 0 to 1, x की जगह पे 1 माइनस x रखने पर, x की जगह पे 1 माइनस x रखने पर, ओके, x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी 1 माइनस x, देन वी हियर द पुट x की जगह पे 1 माइनस x, क्लियर। चलो अब इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस x, अब 1 1 कट हो जाएगा, ये माइनस है यानी कि माइनस 1 प्लस x हो जाएगा, सोचो आप, तो 1 1 कट, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस x, x रेस टू n,
अब एक्स रेस्ट टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेस्ट टू एन माइनस एक्स रेस्ट टू एन प्लस 1 dx, एक्स रेस्ट टू एन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स रेस्ट टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स रेस्ट टू एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1। ये मालूम पड़ा ना, एक्स रेस्ट टू एन की फॉर्मूला लिखी है और इसमें 1 ऐड करना है। अब अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पे 1 रेस्ट टू एन प्लस 1 1 ही होता है यानी 1 अपॉन एन प्लस 1। यहां भी 1 रखूंगा तो 1 अपॉन एन प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद इसका एलसीएम तो एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 1 तो एन एन कट हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2। क्लियर? इसके अंदर आपको दोनों तरफ आई ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी रिजल्ट नंबर 1 और 2 का हम जो एडिशन करते थे वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, इसी मेथड का एक और एक सम है, यही मेथड का है 9 नंबर का। कौन से नंबर का है? 9। 8 नंबर बाकी रहा, वो बाद में करते, पहले 9। इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसमें भी आपको इसी तरह करना है, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन 0 प्लस 2 2 यानी एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस एक्स तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स 2 2 कट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस एक्स रूट एक्स दैट इज एक्स रेस्ट टू 1 बाय 2। अब एक्स रेस्ट टू 1 बाय 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो इंटीग्रेशन 0 से 2 2 एक्स रेस्ट टू 1 बाय 2 और एक्स रेस्ट टू 3 बाय 2 ये ना एक्स रेस्ट टू 1 और ये 1 बाय 2 तो एक्स रेस्ट टू 3 बाय 2। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या होगा 2 एक्स रेस्ट टू 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 3 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन 0 से 2। अब अपर लिमिट रखते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट, पहले तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 3 2 रखूंगा तो 2 रेस्ट टू 3 बाय 2 माइनस यहां पे 2 रखूंगा तो ये 2 पहले ऊपर जाएगा यानी कि 2 अपॉन 5 2 रेस्ट टू 5 बाय 2। क्लियर? अब 0 रखूंगा तो वो सब 0 ही होने वाला है तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। अब 4 इंटू 2 रेस्ट टू 3 बाय 2 2 रेस्ट टू 3 बाय 2 यानी कि 2 रूट 2 हुआ। सही बात है, 2 रेस्ट टू 3 बाय 2 यानी 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू 5 बाय 2 2 रेस्ट टू 5 बाय 2 4 रूट 2। क्या बात है, मेरी तो किस्मत चमक गई। अपॉन 5 देखो 2 रेस्ट टू 5 बाय 2 यानी कि 2 रेस्ट टू 2 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 2 रेस्ट टू 2 इंटू 2 रेस्ट टू 1 बाय 2 2 रेस्ट टू 2 यानी 4 और 2 रेस्ट टू 1 बाय 2 यानी रूट 2। ऐसा होता है,
बराबर। अब इसका सिंप्लीफाई तो 4 टू जा 8, 8 रूट 2 अपॉन 3 और 8 रूट 2 अपॉन 5। अब यहां पे 3 है और यहां पे 5 है तो इसका एलसीएम आएगा 15। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 5 माइनस 3 2, यानी कि उसका पूरा जो आंसर इस तरह से होगा 8 रूट 2 इंटू 2 अपॉन 15, यानी कि 16 रूट 2 अपॉन 15। सोचना है तो सोच लो आप अच्छी तरह से, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 9, 7 और 9, ये दोनों में ये मेथड थी, ओके। और फिफ्थ और सिक्स नंबर में मोड वाला सम था, क्लियर। और बीच में 8 नंबर का बाकी है, वो करते हैं। और 8 और 10, अब आगे का क्वेश्चन नंबर 8 जो बीच में हमने बाकी रखा था वो इस तरह से है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। लॉग 1 प्लस टेन एक्स, इसमें भी आपको यही प्रॉपर्टीज का यूज करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि 0 प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, यानी कि x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x रखना है। तो 1 प्लस टेन एक्स, एक्स की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x, क्लियर। x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x, यहां पे मैंने ये प्रॉपर्ट यूज की है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स डी एक्स, क्लियर। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, यानी कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। और 1 प्लस टेन एक्स का मैं एलसीएम लूंगा तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, क्लियर। बहुत अच्छा समय हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि वेरिएबल x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x रखना है, ओके। तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10x. Formula, वो तो सब मालूम है आपको। 10 pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 minus 10x upon 1 plus 10x. अब 1 plus 10x का मैं LCM लूँगा, तो 1 plus 10x, 1 minus 10x upon 1 plus 10x. 10x, 10x cut हो जाएगा, तो I is equal to integration 0 से pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx। क्या हो जाएगा? 10x cut,
तो 1 प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 10x। अब लॉगरिदम का रूल्स, लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिखेंगे लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x। देख सकते हैं ना, ऐसा दोनों को मैंने अलग अलग लॉग दे दिया, एक ऊपर है और एक अपॉन में है, तो बीच में क्या आएगा माइनस। अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन देता हूं, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 dx, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। अब इसमें क्या हुआ देखो, क्वेश्चन आया 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x, अगेन क्वेश्चन, इसमें ऐसा सेटिंग हुआ तो I is equal to, पूरा क्वेश्चन किसके is equal to में है, I, तो I is equal to, अब ये log 2 इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन 0 से pi by 4 1 dx, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, यानी कि I, I इस साइड आ जाएगा, तो 2I is equal to log 2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से pi by 4, therefore 2i is equal to log 2, upper limit minus lower limit, therefore 2i is equal to pi by 4 into log 2, ये 2 सामने जाएगा, तो i is equal to pi by 8 log 2, ये आपका आंसर। बहुत बहुत ही मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, बराबर। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो सभी पेपर सेट के अंदर ये क्वेश्चन होता ही है, बराबर। इतना बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कोई दूसरी मेथड नहीं है, नहीं आप इसके कोई टी सपोज कर सको या उसका साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सको, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। इसको आप यही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसमें यही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तब भी पॉसिबल बनता है। ओके, मालूम पड़ा आपको, पहले फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम 10x 10x कट, उसके बाद लॉग का मैंने रूल्स लगाया, m अपॉन n का रूल्स है ना, मालूम है ना, लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो ऊपर है उसको लॉग, और अपॉन में 1 प्लस 10x है उसको लॉग दे दिया, क्लियर। दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया, तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, क्या बन गया यहाँ पे क्वेश्चन, तो i इसकी जगह पे i माइनस i इस साइड आ जाएगा, तो 2i और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 4 log 2, तो 2 सामने जाएगा, तो पाई बाय 8 log 2, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो पहले तो मैं लॉगरिथम का रूल्स अप्लाई करूंगा, ये 2 है उसको ऊपर ले जाता हूं, तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, यानी इन दो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते, यानी अपॉन में साइन 2x लिख सकते हैं ना, सोचो आप अच्छी तरह से, ये 2 है वो ऊपर चला गया, यानी साइन स्क्वायर एक्स, लॉग के नियम के अनुसार बीच में माइनस है, तो इन दोनों का आप डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हो, ये अपॉन में आ जाएगा, सही बात की गलत बात में। अब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, अब आपके पास साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक है नहीं है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक एक साइन कट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन अपॉन कॉस
दैट इज अ 10x, 10x अपॉन 2, हो सकता है नहीं हो सकता है। अब दोनों को अलग अलग लॉग देते, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, लॉग 10x माइनस लॉग 2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसा। अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे रहा हूं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, लॉग 10x dx माइनस लॉग 2 इंटीग्रेशन के बाहर 0 से पाई बाय 2 1 dx, क्या किया लॉग 10x को इंटीग्रेशन दे दिया, लॉग 2 को भी मैंने इंटीग्रेशन दिया लेकिन वो कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं उसको आई वन कह देता हूं, उसका मुझे सेपरेट से करना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू आई वन माइनस लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, अब अपर लिमिट रखूंगा उसके बाद लोअर लिमिट, तो मेरा आंसर आएगा I इज इक्वल टू आई वन माइनस अपर लिमिट पाई बाय 2 लॉग 2, इसको मैं रिजल्ट नंबर 1। अब वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x dx, अब इसका इंटीग्रेशन सोच रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं वही अपनी मेथड लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस x रखने पर, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग 10 यानी कि cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot x, क्लियर। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट का आप एडिशन कर सकते हो, आप ये रिजल्ट और ये रिजल्ट का एडिशन कर सकते हो, तो I1 इज इक्वल टू इसका रिजल्ट नंबर 2 और ये रिजल्ट नंबर 3, तो बाय 2 प्लस 3 दोनों रिजल्टों का एडिशन I1 प्लस I1 2I1 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग cot x, क्लियर। और बीच में प्लस है तो 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x प्लस लॉग cot x dx, ऐसा लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन को बाहर ले लिया, अब बीच में प्लस है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x इंटू cot x dx, अब 10 इंटू cot 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग 1, अब लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है भाई, लॉग 1 की वैल्यू 0, therefore 2i1 is equal to 0, इसका इंटीग्रेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि log 1 0 तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो i1 is equal to 0। अब ये i1 की वैल्यू आपको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो बाय रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा i is equal to i1 minus pi by 2 log 2, तो I1 की जगह पे क्या पुट करूंगा 0, तो आपका फाइनली आंसर आएगा I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, क्लियर, मालूम पड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोच लो अच्छी तरह से। पहले तो ये 2 ऊपर चला गया यानी साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया साइन 2x, यहाँ से साइन x कट हो जाएगा,
साइन अपॉन कॉस 10x, 10x अपॉन 2, दोनों को मैंने सेपरेट लॉग दे दिया, लॉग 10x माइनस लॉग 2। अब ये लॉग 10x वाला जो टर्म है उसको मैं i1 कह दूंगा और ये लॉग 2 बाहर और इसका 1 का इंटीग्रेशन x। अब i1 का इंटीग्रेशन मुझे अलग से करना है तो 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन यानी x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस x तो लॉग कॉट x बराबर। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट का एडिशन करने का है, कौन सा रिजल्ट, रिजल्ट i1 और ये रिजल्ट। ओके थोड़ा अच्छे से डाइवर्जन दे दूं तो आपको मालूम पड़े बराबर, ये i1 और ये i1 बराबर, इन दोनों का ये रिजल्ट नंबर 2 और ये रिजल्ट नंबर 3 इन दोनों का एडिशन। तो i1 प्लस i1 2i1 log 10x log cot x दोनों का एडिशन, एडिशन करूंगा तो ये जो पावर है उसका मल्टीप्लाई 10 इंटू कॉट 1 हो जाता है, लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 यानी पूरा इंटीग्रेशन 0 यानी i1 इज इक्वल टू 0। i1 की वैल्यू आपको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करने की है तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। प्रिय कैसा रहा, अच्छा रहा ना ये मेथड, ये मेथड के सम अभी भी एक दो सम है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अभी अपने को दो प्रॉपर्टीज समझने की बाकी है वो जब हम सम चलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर आपने जो भी बातें पढ़ी है वो अच्छी तरह से समझना, तो एक बार होमवर्क करना है, वन टाइम होमवर्क करने का है, एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करना है और 7.11 का 1 से 10 तक के सम करने हैं। एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करने की है और 7.11 के 1 से 10 तक के सम आपको सॉल्व करने के। ओके स्टूडेंट, यहां तक आज रखते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।